जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर चुकी है। कई कंपनियां या तो निजी हाथों में सौंपी जा चुकी है या उन्हें निजी हाथों में सौंपने का काम शुरू हो चुका है। भारतीय रेलवे में भी धीरे धीरे निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब रेलवे ने एक और फैसला किया है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के चलते इंडियन रेलवे ने अपनी खाली पड़ी जमीनों को निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। निजी कंपनियों को लंबे समय के लिए रेलवे अपनी जमीन को लीज पर दे रहा है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में रेलवे की 21,800 वर्ग मीटर जमीन के पुनर्विकास के नाम पर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की है। इसके लिए 27 जनवरी तक ऑनलाइन बोलियां मांगी गई हैं। जिस जमीन को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है वो दिल्ली के बुलेवार्ड रोड के पास है। यहाँ बनी रेलवे कॉलोनी की 21,800 वर्ग मीटर जमीन को 99 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। दिल्ली की ये रेलवे कॉलोनी लाला हरदेव सहाय मार्ग, जीटी करनाल रोड पर, तीस हजारी मेट्रो स्टेशन, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और रानी झांसी फ्लाईओवर के पास स्थित है। ये रेलवे कॉलोनी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है। रिंग रोड के पास होने के कारण साइट गुड़गांव और नोएडा से काफी जुड़ी हुई है और ये काफी कीमती मानी जाती है। रेलवे की ओर से अभी इसकी रिजर्व प्राइस 393 करोड़ रुपए तय की गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।